अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो का मौजू है फिल्टर डेटा ऑन वन क्लिक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिल्टर डेटा ऑन वन क्लिक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या मतलब है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम अपना डेटा जो कि हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में हो सकता है उसे हम एक क्लिक पर फिल्टर कर सकते हैं। इसके लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे, तो चले वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट स्लाइसर एंड हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में भी अपने राय का इजहार कीजिएगा और अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में किसी किस्म की टेक्निकल रहनुमाई चाहिए तो प्लीज़ बताएँ, तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएँगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है जो कि क्लास फिफ्थ से लेकर टेंथ तक है, कुल मिलाकर 176 स्टूडेंट्स हैं। यूजुअली जब हम ऑफिस में काम करते हैं, एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं और हमें कोई लिस्ट फिल्टर करना होती है तो हम उसको इस तरीके से करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर अप्लाई करने का शॉर्ट कमांड है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी हमें टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, उनको फिल्टर करना है, तो हम यहाँ पे टेंथ को चेकआउट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये टेंथ क्लास के सारे स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर भी आगे पीछे हो रहे हैं। ऑटो सीरियल नंबर कैसे इंटर करते हैं इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स का चाहिए, हमें दोबारा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चेक आउट करेंगे टेंथ को और नाइन्थ को चेक करेंगे और ओके करेंगे, फिर ये नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स आ गए। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम जब इनको काउंट करेंगे वन बाय वन, काफ़ी टाइम लगता है, यही सर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको बता रहा है काउंट 39, यानी 39 स्टूडेंट्स। अपने काम में स्मार्टनेस लेकर आएँ और हम अपना काम कैसे फास्ट करेंगे ये अगली शीट पे मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट शीट पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट शीट पे व्यूवर्स आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लाइसर लगे हुए हैं, दो अलग से सब टोटल का फार्मूला लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे और साथ में सीरियल नंबर का एग्रीगेट फार्मूला लगा हुआ है। सो यहाँ पे वन क्लिक पे हम कैसे फिल्टर करते हैं, लेट सपोज हमें टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स चाहिए, टेंथ को क्लिक किया, टेंथ क्लास के सारे स्टूडेंट्स फिल्टर हो गए, 147 स्टूडेंट हैं, आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं 47, और आपके सीरियल नंबर भी अपडेट हो रहे हैं साथ में। सीरियल नंबर पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, एग्रीगेट फार्मूले का यूज़ किया है, ये ऑटो सीरियल नंबर कैसे लगाएंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स हम फिल्टर करना चाहते हैं, 14 है, सेवन्थ क्लास के करना चाहते हैं, एट क्लास के करना चाहते हैं। अभी नेक्स्ट टेंथ क्लास में अटक डिस्ट्रिक्ट के कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट हैं, चलो देखते हैं इस्लामाबाद के कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। सो व्यूअर्स इस तरह के सिंपल ट्रिक्स है, सिंपल फार्मूलों से हम अपने काम में स्मार्टनेस लेकर आ सकते हैं और हम अपना काम कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये किस तरह करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे जाके हम ये चारों ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। देन लेट्स गो अगली शीट। यहाँ पर सबसे पहले हम सीरियल नंबर को देखते हैं। ऑटो सीरियल नंबर इंसर्ट करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लिंक पे क्लिक करें और देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं और क्लास वाले कॉलम पे सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं। सब टोटल का फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, आप ये फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, नो इशू, ये वर्क करेगा। इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन यहाँ पे हम सीरियल नंबर 3 पे काउंटों को सेलेक्ट करेंगे, कामा C3 कॉलन C178 ब्रैकेट क्लोज
इसके लिए हमने क्लास वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट किया है 178 इंटर। यहाँ पर हम थोड़ा इनका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले फॉन्ट कलर येलो रख लेते हैं, बैकग्राउंड का कलर ये रख लेते हैं, बॉर्डर यहाँ सब चेंज कर लेते हैं, मोर बॉर्डर में जाके सबसे पहले कलर ले लेते हैं, ये देन ओके। ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इस कॉलम में हमारे पास 176 स्टूडेंट्स है टोटल, 176 आप चेक कर सकते। नेक्स्ट हमने स्लाइसर इंसर्ट करने, वो किस तरह करेंगे, इंसर्ट टैब में जाके स्लाइसर को क्लिक करना। यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का बॉक्स खुल चुका है। इसमें भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने क्लास वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है और ओके कर दें। ये स्लाइसर आपका लग चुका है। अभी आप यहाँ पे किसी भी क्लास पे क्लिक करें तो उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स फिल्टर हो जाएंगे। 10th क्लास स्टूडेंट्स सारे फिल्टर हो गए। सब टोटल का फार्मूला वर्क कर रहा है, 47 स्टूडेंट्स। तीसरी बात, सीरियल नंबर भी ऑटो अपडेट हो रहे हैं। नेक्स्ट 7th क्लास के हमने फिल्टर करने 12 स्टूडेंट्स। इसी तरह हम नेक्स्ट स्लाइसर इंसर्ट करेंगे एड्रेस कॉलम के लिए। इंसर्ट टैब में जाके स्लाइसर पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने एड्रेस को चेकआउट किया और ओके कर दिया। तो ये आपका एड्रेस वाला स्लाइसर भी अप्लाई हो चुका है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप स्लाइसर की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इनकी शेप साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह यहाँ पे आप चाहते हैं कि दो कॉलम में हो जाए डेटा में, ताकि थोड़ी जगह में, थ्री में भी कर सकते हैं आप। इसी तरह बटन्स की जो हाइट है, शेप वगैरह, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। को भी मैं 2 कॉलम में कर लेता हूँ ताकि सारे हो जाए। अब यहाँ पे 10th क्लास को हम सेलेक्ट करते हैं। 10th क्लास के सारे स्टूडेंट्स फिल्टर हो चुके हैं। अभी हम चेक करना चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स में अटक के कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 हैं। इस्लामाबाद के कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 हैं। हाँ, इसमें अगर आप एक साथ ही दो क्लासों का डेटा फिल्टर करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि कंट्रोल के साथ आप दो क्लासों को क्लिक करें, 10th और 6th क्लास में इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में टोटल 6 स्टूडेंट्स। फिल्टर ख़त्म करने के लिए ये जो क्रॉस का निशान बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स 10th और 6th क्लास के 61 हैं। आप यहाँ पर भी सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं, 61। सो व्यूअर्स, इट इज़ वेरी सिंपल। और इस तरह सिंपल ट्रिक्स के साथ ही हम अपने वर्क में स्मार्टनेस लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर हसबी रिवायत तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।